प्लस में आज हम बात करेंगे एनएटीएस द्वारा जारी किए गए आपकी ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों के लिए अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी जगह है जहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, स्टिपेंड क्या रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने का क्या प्रोसीजर रहेगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एस के फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें आपकी ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग थ्रू एनएटीएस, जो कि अपॉर्चुनिटी है अंडर गो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे कंपनी वेबसाइट दे रखी है, 750 सीट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस के फाइनेंस लिमिटेड के बारे में आप जान सकते हैं, इसके बारे में दे रखा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडिया हैविंग प्रेजेंस इज मोर देन 12 सिटी स्टेट, इनवाइट ऑनलाइन आपका इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल आपका कैंडिडेट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंशन ब्लो कोर्स आप दे सकते हैं ड्यूरिंग आपका 2019-20, 21-22, 23 वन ईयर आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएट डिग्री के लिए यहाँ पे आप जो हैं उन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीए आदि हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 650 सीट हैं, एक साल की ट्रेनिंग रहेगी, 9 से 11 हज़ार आपको स्टिपेंड मिलेगा हर मंथ। आपका टेक्नीशियन डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा इंजीनियर फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, 100 सीट है, एक साल का आपका 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, जॉब दे सकते हैं एनी वेयर इन आपका इंडिया वेयर एस के फाइनेंस हैव प्रेजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑल इंडिया में है तो यहाँ पे दे सकते हैं आपका प्रेजेंस दे सकते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, कर्नाटक और हेडक्वार्टर आपका जयपुर राजस्थान का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि ग्रेजुएट डिग्री एनी ब्रांच फुल टाइम आपका ग्रांटेड इन स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रोफेशनल बॉडी फुल टाइम रिकॉग्नाइज आपका होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी गवर्नमेंट या आपकी रिकॉग्नाइज बॉडी होनी चाहिए। टेक्नीशियन डिप्लोमा फुल टाइम आपका सेम इसी तरीके रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर एलिजिबिलिटी आपका जो है कंडीशन दे रखी है, कैंडिडेट है पास क्वालिफाई एग्जाम 2019-20, 21-22, 23, कैंडिडेट शुड हैव नॉट अंडरगो, आपने कोई प्रकार की अप्रेंटिसशिप नहीं की हो इन एस के फाइनेंस लिमिटेड या एनी अदर कंपनी, शुड नॉट हैव एनी पेंडिंग एकेडमिक बैकलॉग। ठीक है, आपके बैकलॉग नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैंडिडेट या एनएटीएस पोर्टल पर जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका जो mhrd.nets.gov.in पर जाना है वहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं 21 जून से 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट एप्लीकेशन यहाँ पे आप जाएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन, शेड्यूल इंटरव्यू, ऑफलाइन वर्चुअल सिलेक्शन, पोस्टिंग ऑफर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इंटरव्यू डेट आपको जानकारी दी जाएगी ईमेल टेलीफोन के शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये आपका लिंक है, इस पर आप लिख के जाके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको उस पर करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको एनएट इसके पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इफ़ दे नॉट रजिस्टर तो एनएटीएस आईडी विल बी यूज फॉर ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन एस के फाइनेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। वो आपके दे सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट यहाँ पे इसके लिए अन्य जानकारी के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इनरोल करना है। इनरोल करने के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए इनरोल पे क्लिक करेंगे। इनरोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आप देख सकते, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ए स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पे प्लेसमेंट दे सकते हैं आपका जिस भी आपका जो है परमानेंट रेजिडेंट है उसके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपको देखिए हैव कंप्लीटेड यहाँ पे आपको बताना है ग्रेजुएशन यहाँ पे जो भी है इन ईयर यहाँ पे बता दी मैं 2022 कर लेता हूँ। रेगुलर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आपने प्रोग्राम अगर यहाँ पे कहते हैं सैंडविच अगर अप्रेंटिस प्रोग्राम यहाँ पे नो कर दीजिएगा। डू हैव वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे नो कर दीजिएगा क्योंकि अप्रेंटिस जो फ्रेशर के लिए रहता है।
यहाँ पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो देख सकते हैं। आधार कार्ड, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आधार, ये सब आपके पास होना चाहिए। आई हैव अबव डाटा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आप मैंने नोटिफिकेशन में जो लिंक था उस पर आपको वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो, अगर लॉगिन नहीं है आपकी जीमेल तो आपको लॉगिन कर लीजिएगा, उसी में आ जाएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ईमेल आईडी देनी है, नेम ऑफ एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर, आपने देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताना है, बीकॉम किया है, बीएससी जो भी है यहाँ पे आपने किया है उसके बारे में, आपकी ईयर ऑफ पासिंग है मैंने 2022, ठीक है। आपको बताना है मार्क, परसेंटेज, सीजीपीए आपका क्या है, परसेंटेज मेरे 78 हैं तो मैंने कर दिया, यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। आपका एनएटीएस देखिए जो रजिस्टर किया होगा वो एनएटीएस आईडी, आपका एनी पेंडिंग एकेडमिक बैकलॉग यहाँ पे नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ आधार कार्ड किसका है तो वो यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे है आप उसको बता सकते हैं, एनी अदर स्टेट है द करंट रेजिडेंट स्टेट यहाँ पे अपना बता दीजिएगा, ठीक है। अगर है तो आपका उसमें तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उस अनुसार यहाँ पे लगाइए। अपलोड रिज्यूम, अपलोड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आई हैव नो पेंडिंग बैकलॉग, आई हैव नॉट कम्प्लीटेड, यहाँ पे आप दे सकते हैं, इस तरीके करना है और सबमिट पे कर देना है। इस तरीके से यह आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है। यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये आप दे सकते हैं, मैं लिंक सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप जानकारी और वीडियो दोनों अच्छी लगी हो। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने